हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प की प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहां पे बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए न्यूज के बारे में। जी हां फ्रेंड, रेलवे ग्रुप डी अपडेट निकल के सामने आ रहा है और ये ऑफिशियल न्यूज क्या है आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो रेलवे ग्रुप डी बड़ी खबर है। जी हाँ फ्रेंड, बड़ी खबर इसलिए क्योंकि रेलवे ने डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत कुछ कहा है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट को लेकर कहा गया है तो आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड, तभी आपको समझ में आएगा तो रेलवे ने डॉक्यूमेंट को लेकर क्या कहा है। तो ये आरबी की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है, तो देख लेंगे ये क्या क्या अपडेट दिया गया है। और ये भी अपडेट आ रहा है सामने कि रिवाइज्ड आंसर की जो वो जारी किया जा सकता है रिजल्ट के पहले। जी हाँ फ्रेंड, आपको रिजल्ट का बहुत से लोगों को रिजल्ट का इंतजार है, तो मुझे भी रिजल्ट का इंतजार है रेलवे ग्रुप डी का। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या जानकारी अभी तक आई हुई है। तो अभी ये शाम की खबर है फ्रेंड, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या न्यूज आई हुई है। तो फ्रेंड, न्यूज देखने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए देख लेते हैं न्यूज क्या क्या है। फ्रेंड, आप देख सकते हो ये न्यूज जो वो जनसत्ता वेबसाइट की तरफ से दी गई है। तो ये लाइव अपडेट देता रहता है ग्रुप डी से जुड़ा हुआ। तो लाइव अपडेट ग्रुप डी रिजल्ट 2018-19 लाइव अपडेट है। तो पीईटी के बाद यह परीक्षा होगी। तो जान लेते हैं क्या क्या होगा यहाँ पे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करने के बाद नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को एक मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। जी हाँ फ्रेंड, ये न्यूज आप देख सकते होंगे अभी की न्यूज 31 जनवरी 17:01 PM की। यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या न्यूज दिया गया है। तो पीटी टेस्ट पास करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट भी देना होगा। तो यहाँ पे ग्रुप डी परीक्षा का परिणाम 13 फरवरी को या उससे पहले जारी किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, 13 फरवरी या उससे पहले परिणाम जारी हो सकता है। तो उम्मीद करिए कि 13 से 17 फरवरी के बीच में या 18 फरवरी तक के पहले परिणाम जो है ग्रुप डी का आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक लाइन पीटी के बारे में बता दूँ कि पीटी में जो अभ्यर्थी जो उपस्थित होंगे एग्जाम के बाद, यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो उपस्थित होंगे, उसकी तारीख का भी ऐलान यहां कर दिया गया है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। तो आई होप कि इसकी जो पीटी टेस्ट होगी वो 30-28 फरवरी से वह है जो शुरू हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, अनाउंस भी किया जाएगा और उसकी जो पीटी टेस्ट होगी वो 28 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इसलिए क्योंकि मार्च और अप्रैल में ग्रुप डी को ज्वाइनिंग भी करानी है, इसलिए बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। 10 से 15 दिन का समय ही बिल्कुल आपके पास रहेगा पीटी के लिए रिजल्ट आने के बाद। तो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करते रहिए। और मैं आपको एक लाइन और यहाँ पर बता रहा हूँ कि चिकित्सक रूप से फिट होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा आपको। अगर वे निर्धारित तिथि पर ऐसा करने में विफल रहेंगे तो बोर्ड इसे स्वयं कर लेगा। जी हाँ फ्रेंड, इससे बढ़िया कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें, नहीं तो आपको वहाँ पे मेडिकल टेस्ट देना होगा जो कि आरबी की तरफ से बहुत ही सख्ती से ली जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दो न्यूज जो मैं आपको बात कर रहा था शुरू में, तो उसको मैं बता दूँ कि फिर से उत्तर कुंजी जारी हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे लिखा गया है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने ग्रुप डी परीक्षा के बाद आंसर की जारी की थी। इस आंसर की पर रेलवे ने उम्मीदवारों से आपत्ति भी मांगी थी। जिन उम्मीदवारों ने आपत्ति दर्ज कराई उनकी आपत्तियों की जांच आरबी के तरफ से गठित पैनल कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आपत्तियों की जाँच के बाद बोर्ड संशोधित आंसर की जारी कर सकता है, यानी कि उसमें जो करेक्शन किया जाएगा उसके बाद एक नया आंसर की जारी किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान दस्तावेज को क्या तैयार रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज यही है कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या कुछ कहा गया है रेलवे की तरफ से, तो देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ पे जब आप डीवी टेस्ट के डीवी के लिए जाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपका, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है जान लेते हैं। इंटरव्यू बोर्ड के सामने अभ्यर्थी को खुद को मेडिकल फिट साबित करना होगा, ये पहला चीज। बोर्ड के समक्ष 10वीं का एडमिट कार्ड, जी हाँ फ्रेंड, 10वीं का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। 10वीं का मार्कशीट तो होना ही चाहिए प्लस 10वीं का एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपने 10वीं का परीक्षा दिया है तो आपको 10वीं परीक्षा देने से पहले एक एडमिट कार्ड दिया गया होगा, तो उस एडमिट कार्ड को आपको लेकर जाना है। जी हाँ फ्रेंड, एडमिट कार्ड को लेकर जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि बोर्ड के समक्ष 10वीं का एडमिट कार्ड आपको लाना है। आवेदन के दौरान लगाई गई सभी मार्कशीट, जी हाँ फ्रेंड, जब आप फॉर्म भर रहे थे आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर से लेकर के जाने होंगे। जो भी आपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी थी वो डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाना है। और प्लस स्थाई पते के प्रमाण पत्र के रूप में वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, देख सकते हो यहाँ फ्रेंड, यहाँ पर आप
वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड पेश करने होंगे। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपका जो डोमिसियल है उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा तो या आप आधार कार्ड दे दीजिए या फिर आप वोटर आई कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। तो ये इतना कुछ कहा गया है डॉक्यूमेंट को लेकर के। अगर आपका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट को रेडी करा लें और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो भी आप जल्द से जल्द बनवा लें। तो आप बोलेंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगी, तो फ्रेंड ए ग्रेड जो डॉक्टर होंगे उन्हीं के पास आपको जाना है जो कि आपको अप्रूवल देंगे, आपका वो आई टेस्ट करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, वो आपको दे देंगे, आसानी से हो जाता है। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अच्छी न्यूज़ थी फ्रेंड जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, भले ही ये छोटी सी न्यूज़ आपको लगे लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत से यूज़र परेशान रहते हैं कि सर अपडेट नहीं दे रहे हो, अपडेट नहीं दे रहे हो। तो ये अपडेट है, छोटी सी अपडेट है लेकिन बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो इसलिए मैं अपडेट देता रहता हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो अगर जा करके कि मेरे रेलवे सिलेक्शन में ये चीज़ छूट गया। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ भी कोई परेशानी हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द रेडी ले और मेडिकल सर्टिफिकेट भी जल्द से जल्द बनवा ले। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको ये अपडेट पता लग जाए कि क्या क्या अपडेट आई है डॉक्यूमेंट को लेकर के और रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।